हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी कंपनी की, यहां पर कंपनी सचिन एंड कंपनी के नाम से है और इसमें कोई भी वाउचर अभी एंटर नहीं हुआ है, यानी नई कंपनी है। तो जब भी शुरुआत करते हैं तो मैंने बताया कि कैश की रिसीविंग जरूरी है, डायरेक्ट कैश रिसीव करा दिया जाए बिना रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास किए। तो क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है? तो चलिए आइए इसी को समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ अल्टर पर चलते हैं। ये अल्टर पे आए, अब यहाँ से लेजर्स पे आते हैं। तो ये लेजर को अल्टर करेंगे और यहाँ पर कैश का लेजर आपको दिखाई पड़ेगा। बस आपको करना है एंटर 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 एंटर। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ओपनिंग बैलेंस आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 10,000 रुपये मैं ओपनिंग बैलेंस रख लेता हूँ। यहाँ पर हो गई कैश की रिसीविंग, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो ऊपर दिखाई पड़ रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस 10,000। तो बस यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, काम हो गया है, बाहर आ जाइए। अब जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर वाउचर एंट्री पास करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे परचेस वाउचर में एंट्री पास करते हैं, यहाँ से आते हैं कुछ परचेस करते हैं, ठीक है। फिर हम पेमेंट करके देखेंगे। तो ये यहाँ पे क्रिएटर पार्टी का लेजर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज करेंगे डेट, यहाँ पे 1/4/2020 कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर क्रिएटर पार्टी का लेजर आएगा तो Alt+C प्रेस करके दुर्गेश सी कर देते हैं, यानी क्रेडिटर। तो ये हो गया, एंटरप्रेस किया, ये जाएगा सन्डरी क्रेडिटर के ग्रुप में। यहाँ से आ जाइए और इसे कर दीजिए सन्डरी क्रेडिटर, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए। और एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने और इसको भी एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आ करके और फिर यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा परचेज अकाउंट का। तो बस परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो ये लिखा परचेज और यहाँ पर लिखा ये ऑब्लिक सी अकाउंट, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया परचेज अकाउंट और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम बनाता हूँ, लाइक माउस कर लेता हूँ, MOUSE माउस। तो ये हो गया और यहाँ पर बनाना होगा हमें यूनिट। तो यहाँ पे कर देते हैं आइटम, ठीक है, या नंबर कर देते हैं। यहाँ पे NOS करना होगा और नीचे नंबर्स कर देंगे। तो ये NOS कर दिया और यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं। तो ये हो गया नंबर्स और एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे N प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे NOS नंबर्स आ जाएगा। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है तो 60 क्वांटिटी परचेस करेंगे, एक क्वांटिटी खरीद रेट हमको पड़ेगी 60 रुपये की। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3600 कुल हो रहा है अमाउंट, ठीक है। अब अगर इसको मैंने एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर पेमेंट में जाते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर में चलते हैं, F5 प्रेस करते हैं पेमेंट वाउचर के लिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे दुर्गेश सी नाम आ रहा है, तो यहाँ पे दुर्गेश सी आ गया, ठीक है। और अभी हमारे पास कैश अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, कैश हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमने कैश रिसीव कराया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3600 रुपये पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने 10,000 रुपये कैश रिसीव कराया था। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैश का मैसेज हमें आएगा नहीं। यहाँ पे कैश में जाइए और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी एंट्री पास करते हैं, यहाँ वी प्रेस किया। वी प्रेस करने के बाद चलते हैं वापिस से परचेज वाउचर में। तो 3600 की परचेजिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखना है। और 6400 की परचेजिंग और हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट मैं चेंज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ 1/5/2020, ये कर लेता हूँ डेट और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर भी 1/5/2020 करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्रिएटर पार्टी लगा लीजिए, कोई और क्रिएटर पार्टी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर आइए, परचेज अकाउंट का लेजर तो लग ही जाएगा। अगर कोई और स्टॉक आइटम आप परचेस करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, तो ये लिख दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। तो जो भी आप स्टॉक आइटम परचेस करना चाहते हैं उसका बना लीजिए। और यहाँ पे NOS तो करेंगे नहीं, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे यूनिट चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लीटर LTR, ये कर दिया सिंबल, और LITRE लीटर कर दिया इसका पूरा नाम। और यहाँ पे L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लीटर, किलो लीटर और ये तमाम यूनिट्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे किलो लीटर कर देते हैं, मिली लीटर, जो भी आपको करना है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किलो लीटर कर देता हूँ और यहाँ पे 3 रख देते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 लीटर, यहाँ पे कर देता हूँ 50 लीटर या 100 लीटर कर देता हूँ, ठीक है, ये 100 लीटर कर दिया। और 1 लीटर की कीमत 100 रुपये, तो 100 लीटर की कीमत 10,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर नेगेटिव कैसा आएगा देखिएगा, इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ।
अगर हम पूरा पेमेंट करेंगे तो नेगेटिव कैसे आएगा। तो अब पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 प्रेस कीजिए और क्रेडिटर पार्टी है तो यहां पे लगाइए लेजर। अब यहां पे देखिए ₹10,000 यहां पे बाकी दिखा रहा है। तो अगर हम ₹10,000 पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तब नेगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास कुल है 6,400। तो यहां पे करेंगे एंटर प्रेस करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस और यहां पर आएंगे, देखिए यहां पर आ गया 3600 नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो 6400 ही है, कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।